schools, all my faculty colleagues who are of the days, you are all welcome. Awareness one day awareness workshop scheme. As my colleague who was managing the stage has, and this is a scheme where our students, director AICTE will explain in detail what is the scheme like. And we have all assembled here as very dedicated teachers of the state of J&K, of ITIs. We are orienting ourselves. We are like, you know, getting, we have many consultants who were also doing their job, but you know, in doing their job, what was happening, Department of Higher Education, J&K, now our students, now the director AICT will give us details that, you know, how many students have center for the students. You know, once these students... लेकिन इसका मतलब यहाँ के बच्चे इतने शार्प हैं 14 साल में भी प्लस टू कर रहे हैं। इनसे गरीब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। AICT की तरफ से हम हर साल वर्कशॉप करते हैं, ये एक स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें मेडिकल के लिए अगर आप जाते हैं सीट मिलती है आपको बाहर, तो उसके लिए 3 लाख रुपये मिलता है। बाकी में जनरल कोर्स में 1.5 लाख मिलता है, 30,000 मिलता है साल का, और कुछ टेक्निकल कोर्स इंजीनियरिंग के 1.5 लाख रुपये मिलता है खर्चा। उसमें हॉस्टल फीस है, कॉलेज की फीस है वगैरह। इसमें 6 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है वालदेन की, तो उन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, BDS के लिए, नर्सिंग के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह कोर्सेज के लिए, ये रियासत से बाहर दूसरी जो हिंदुस्तान की रियासतें हैं वहाँ भेजा जाता है। और हम ये 5-8 साल से ये चला रहे हैं। इस पर फोकस अटेंशन हमने पिछले 2-3 साल से की है, और हर साल हम 5,000 बच्चे भेजते हैं। इस साल भी हमारा टारगेट है 5,000 बच्चे भेजना। कोई 2,800-3,000 इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे, और कोई 2,700 जनरल बच्चे हैं। MBBS के लिए हमने 100 सीटें रखी थी, क्योंकि नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए बच्चे पिछले साल। इस साल हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे, उसमें जाएंगे। इसमें हम सुपर न्यूमरी सीट्स भी क्रिएट करते हैं, और सारे रियासत के जो लगभग 1,000 कॉलेज हैं बाकी स्टेट्स के, 1,000 कॉलेजेस जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भेजते हैं लड़के लड़कियाँ। तो ये स्कीम काफ़ी कामयाब रही है। इसमें बजट भी रहता है 125 करोड़ हर साल, और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि 10,000 बच्चा सारे हिंदुस्तान में यहाँ का जम्मू कश्मीर का पढ़ता है मुख्तलिफ कॉलेजों में, जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी पूरी जो है जो खर्चा वो स्कीम ट्रिपल स्कीम के अंडर हम उठाते हैं।